हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते विरातरा मेला स्थगित। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से पहुंचते हैं श्रद्धालु, दुकानदारों को होगा करोड़ों का घाटा। बाड़मेर थार नगरी बाड़मेर जिले की चौटन तहसील के वांकल विरातरा मंदिर में लगने वाले भाद्रपद का मेला कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते स्थगित कर दिया गया है। विरातरा ट्रस्ट ने 18 से 20 सितंबर को लगने वाले 3 दिवसीय मेले को लगातार दूसरे साल भी स्थगित कर दिया है। इस मेले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिलों से श्रद्धालु आते हैं। दरअसल विरातरा मेला हर साल 3 माह भाद्रपद, भादो, चैत्र और माघ मास में लगता है। इन तीनों माह में 13, त्रयोदशी, 14, चतुर्दशी और पूनम पूर्णिमा को लगता है। मेले में जिले के अलावा जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जयपुर, पाली, सिरोही, जालौर, उदयपुर, राजसमंद सहित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से भक्त आते हैं और मां नव दुर्गा के शक्तिपीठ वांकल वीरात्रा माता के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भक्त जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है, खाली हाथ कोई नहीं जाता है। मां नव दुर्गा के शक्तिपीठ वांकल विरातरा माता मंदिर में लगने वाला भाद्रपद का मेला कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर स्थगित किया गया है। विरातरा माता धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सगत सिंह परो ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण मेला पिछले साल भी स्थगित किया गया था। क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला भाद्रपद शुक्ल 13, 14 व पूनम को लगता है। ये मेला इसी माह की 18 से 20 तारीख को लगना था। राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना के मद्देनजर मेला स्थगित किया गया है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। भाद्रपद मास में लगने वाले मेले में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। इन 3 दिनों में करीब 3 लाख श्रद्धालु राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों से आते हैं, मां वांकल माता के दर्शन करते हैं। मंदिर में रुकने के लिए अलग अलग व्यवस्था है, पैदल भी पहुंचते हैं श्रद्धालु। ट्रस्ट अध्यक्ष कैप्टन सगत सिंह के मुताबिक भाद्रपद का मेला लगातार दूसरी बार स्थगित किया गया है। ये मेला 10 दिन तक चलता है। 13 और 14 को बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु पैदल भी आते हैं। दुकानदारों को करोड़ों का घाटा। मंदिर के बाहर करीब 40 से 50 दुकानदार हैं। इनका व्यापार भी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से चलता है। मंदिर के बाहर व्यापारियों को ये मेला स्थगित होने पर करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का घाटा होगा। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।